डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर यूपीएस पेटपुरा स्कूल त्रहगाम से। क्लास सिक्स से और सब्जेक्ट इंग्लिश है। डियर स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करते हुए जो कल से हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी स्कूल में मेरा पहला दिन। तो सबके लिए स्कूल में जो पहला दिन होता है वो सबके लिए नया होता है। हर कोई काम जो हम पहली बार करते हैं वो नया होता है हम सब के लिए। इसी तरह स्कूल का भी जो ये पहला दिन है वो हमारे लिए नया है, नया होता है। तो एक बच्चे की नज़म है, जो बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे किस तरह का फील होता है, कैसा उसका महसूस होता है। तो आज हम यहाँ से पढ़ेंगे, व्हाट डज ए लेसन लुक लाइक। बच्चा कहता है कि सबक जो है वो कैसा दिखाई देता होगा, सबक कैसा दिखाई देता होगा। साउंड स्मॉल एंड स्लिमी, साउंड स्मॉल एंड स्लिमी, लगता तो सबक जो है वो कैसा दिखाई देता होगा, लगता तो छोटा। साउंड स्मॉल यानी लगता छोटा दिखाई देता होगा, एंड स्लिमी और दुबला पतला। दे कीप देम इन क्लास रूम्स, होल रूम्स मेड आउट ऑफ ग्लास, इमेजिन। तो बच्चा कहता है कि ये जो है ये इनको कहाँ रखते होंगे, ये इस सबक को कहाँ रखते होंगे। दे कीप देम इन क्लास रूम, होल रूम्स मेड आउट ऑफ ग्लास। तो ये इस सबक को जो है क्लासरूम्स में रखते होंगे, जो कि ये क्लासरूम जो है जो शीशे के बने हुए होते हैं। बच्चा इमेजिन करता है कि इस सबक को ये शीशे के कमरों में रखते होंगे। इमेजिन, ज़रा तसव्वुर कीजिए। आई विश आई कुड रिमेम्बर माई नेम, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिर्फ अपना नाम ही याद रख पाता। तो बच्चा जो है वो कहता है कि ये जो सबक है ये कहाँ पे रखते होंगे, इतना सारा जो सबक है वो कहाँ पे रखते होंगे। शायद कोई ग्लास रूम है बड़ा, उसमें रखते होंगे। इमेजिन आई विश आई कुड रिमेम्बर माय नेम, मेरी ख्वाहिश है कि मुझे सिर्फ अपना नाम ही याद रह पाता। मम्मी सेड इट वुड कम इन यूजफुल, माँ ने बोला था कि ये आपके काम आएगा, ये आगे आपके काम आएगा। माँ ने तो कहा था ये फायदेमंद हालत में होगा। Like valleys, when there is a puddle, yellow valleys, I wish she was here. Like valleys, valleys means rubber के बड़े बड़े shoes, जो हम rubber के shoes लगाते हैं, जूते लगाते हैं, इसको शुरू छोना तो long boot ही हम इसलागन छ। Like valleys, उसी को बोलते हैं like valleys, rubber के बड़े बड़े लंबे लंबे shoes, when there is a puddle, जब बारिश पड़ती है तो गड़ा सा बन जाता है पानी का, उसे puddle कहते हैं। When there is a puddle, yellow valleys, पीले कलर के लंबे शूज, आई विश शी वॉज हेयर, मेरी ख्वाहिश है कि माँ भी यहाँ होती। शी वॉज हेयर, वो भी यहाँ होती। आई थिंक माई नेम इज सियोन ऑन समवेयर, मुझे लगता है, आई थिंक मेरा ख्याल है, माई नेम इज सियोन ऑन समवेयर, मेरा जो नाम है वो यहाँ यही कहीं सी दिया गया है। बच्चा कहता है कि मेरा जो नाम है मुझे लगता है वो यही कहीं सी दिया गया है। परहैप्स द टीचर विल रीड इट फॉर मी, मुझे लगता है शायद जो मेरी टीचर है वो उसे मेरे लिए पढ़ेगी। टीचर द वन हु मेक्स टी, टीचर वो टीचर, वो उस्ताद, वो उस्तानी जो मेरे लिए, द वन हु मेक्स टी, जो चाय बनाती है। तो यहाँ पे जो बच्चे का तस्वुर है, बच्चा टीचर जो है वो ये समझता है टीचर चाय बनाने वाली को कहते हैं, यानी टी ई ए टी यानी चाय। तो वो इसी को तस्वुर करता है कि टीचर भी वही होगी जो चाय बनाती होगी। तो ये बच्चे का बच्चे के तस्वुरात हैं। बच्चा जो ख्याल करता है पहली बार जब वो स्कूल जाता है तो उसे किस तरह का फील होता है स्कूल में, कि वो इतना छोटा सा होता है, स्कूल जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े बच्चों को देखता है। वो सोचता है शायद ये सब जो हैं यहीं पे पैदा हुए हैं, इसी यूनिफॉर्म में, इसी प्लेग्राउंड में ये बड़े हुए हैं, और ये जो नई नई गेम्स ये खेलते हैं ये इन्होंने ही ईजाद की होगी, जो रफ गेम्स हैं, और भी बहुत कुछ। वो वहाँ पे जंगले देखता है जो उसके बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, उन सलाखों को देखता है। वो सोचता है कि इन सलाखों को कैसे क्यों इन्होंने यहाँ पे रखा है, शायद कोई राक्षस वगैरह ना आ जाए और हमें खा ना जाए, तो इसलिए शायद यहाँ पे रखा है, या फिर हम यहाँ से भाग ना जाए इसलिए यहाँ पे रखा है। तो ये सारे तस्वुरात बच्चा पहले दिन जब स्कूल जाता है तो उसके जहन में ये सारे ख्यालात आते हैं। अब इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, वेलिंग यानी मीनिंग लेस राइमिंग वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये राइमिंग वर्ड है। रेलिंग, फेंस मेड फ्रॉम पोस्ट्स एंड बार्स,
यानी वो जो जंगले बनाते हैं वही वैलीज, लॉन्ग रबर बूट्स होते हैं, लंबे लंबे शूज होते हैं, लंबे लंबे बूट होते हैं रबर के, पडल अ पूल ऑफ लिक्विड ऑन द ग्राउंड यूजुअली फ्रॉम रेन, जो बारिश जब पड़ती है तो उससे जो गड़े बनते हैं तो उसको पडल बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन, फर्स्ट डे एट स्कूल। इसके साथ ही हमने अपना T1 जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसके जो मैं कल आपको इसके आंसर क्वेश्चन दिखाऊंगी और बाकी एक्सरसाइज भी हम करेंगे इंशाल्लाह अपने आगे वाले वीडियोस में। तो आप ये जो मैंने आपको पोएम पढ़ाई इसको अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनको भी याद कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।